राजधानी भोपाल में स्कूल बस में बच्चे से रेप के मामले में स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल समेत चार लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। एडिशनल DCP श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन नजम जमाल, डायरेक्टर ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैयद बिलाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। चारों के खिलाफ धारा 188 पॉक्सो एक्ट 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 188 का केस बस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन पर दर्ज किया गया है, जबकि पॉक्सो सेक्शन 21 अपराध को दबाने के आरोप में दर्ज किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के निजी स्कूल की बस में 3.5 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुरुवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब किया। CM ने कहा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात भी नहीं करेंगे। सभी को बुलाइए, स्कूल प्रबंधन को बुलाइए और कड़ी कार्यवाही करें। यह कोई साधारण घटना नहीं है, कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार है। कितनी जल्दी सजा हो सकती है? बैठक के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। दोपहर में SIT की टीम पिछले गेट से स्कूल के भीतर दाखिल हुई। एक के बाद एक 3 गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे। SIT की टीम ने स्कूल बस का GPS डाटा जब्त कर लिया है। पुलिस अब एनालिसिस करेगी कि आरोपी ड्राइवर ने चलती गाड़ी में वारदात को अंजाम दिया या फिर गाड़ी खड़ी करके। वैसे पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चलती गाड़ी में हरकत करना बताया था। इसके साथ ही ड्राइवर व महिला केयर टेकर की भर्ती प्रोसीजर के दस्तावेज भी लिए हैं। घटना के बाद स्कूल बसों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। स्कूल की सभी बसों में एक महिला टीचर को तैनात किया गया है। यह टीचर बस के सबसे आगे वाली सीट पर बैठी नजर आई। इसके साथ ही कई पेरेंट्स खुद ही बच्चों को लाते ले जाते नजर आए। पुलिस भी प्रशासन के साथ मिलकर बसों की चेकिंग कर रही है। CM ने स्कूल बसों के सभी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन चेक करने के भी निर्देश दिए। सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज जाए कि जरा भी लापरवाही हो तो प्रबंधन जिम्मेदार है। CM की समीक्षा बैठक में पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, एडिशनल CP सचिन अतुलकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, स्कूल मालिक को आज बुलाया गया है, दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। बच्ची से रेप के मामले से गुस्साए अन्य बच्चों के परिजन गुरुवार सुबह स्कूल पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक गेट के बाहर हंगामा किया। वे दोषी पर सख्त कार्यवाही के साथ स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदारों पर भी कार्यवाही की मांग करते रहे। स्कूल प्रबंधन के समझाने के बाद भी हंगामा होता रहा।